ये हमारे पास 5,26,000 की एस्टिमेट है, 16,00,000 की एस्टिमेट नहीं है अभी तक घर पर, वो भी काम हमारा नहीं हुआ। ये खाली मुखिया का कमजोरी से काम है। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं छपरा जिला के लहलादपुर प्रखंड के दंदासपुर पंचायत के लहलादपुर गांव में, प्रॉपर लहलादपुर गांव में। हम इसलिए पहुंचे हैं कि आज बाढ़ के चलते या सड़क के बारे में हम कुछ बात करेंगे। वैसा सड़क जो रात दिन चालू रहता है और उससे बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं एक पवित्र स्थान पर, पवित्र स्थान यानी ढोरनाथ बाबा का मंदिर। ढोरनाथ बाबा के मंदिर के पास जाने के लिए बाईपास रास्ता मात्र एक ही है। जो रास्ता यहाँ मैं दिखाऊंगा आपको, ये मुख्य सड़क है। ये मुख्य सड़क आपको छपड़ा से आता है और इधर आपको होते हुए सिवान की तरफ जाता है, यानी कहा जाए तो पैगंबरपुर से होके महाराजगंज होते हुए सिवान, यानी ये मुख्य सड़क है। और मुख्य सड़क से यह रास्ता कटा हुआ है और रास्ता कट करके लहलादपुर प्रॉपर गांव से कटा हुआ है। लहलादपुर प्रॉपर गांव से कटने के बाद आपको यह उत्तर की तरफ रास्ता जाता है सीधे मंदिर पर, बाबा ढोरनाथ की मंदिर की तरफ यह रास्ता जाता है। इस रास्ता का आप खस्ता हाल देख सकते हैं। इस रास्ते के बारे में मुझे बहुत कुछ आपको बतानी है। पहले इस रास्ते को देखिए और इस स्थिति से अवगत होइए। यहाँ का आप जगह देखिए, जगह देख करके कि यह बात जो मैं कह रहा हूँ कहाँ का कह रहा हूँ, फिर आगे मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि बाबा ढोरनाथ के बाद के पास जाने के लिए पूर्ण रूप से रास्ता बंद हो चुका है। अब लोग कैसे जाते हैं या चार चक्का गाड़ी कैसे जाती है, कैसे आती है, इस पर हम आपको एकदम दिखाएंगे वहाँ का एकदम ज़मीनी रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं उस जगह पर, जिस जगह पर मुझे लगा कि इसके बारे में कुछ हमें बताना चाहिए कि जिससे लोग सुने और समझें। उस जगह के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं जहां से रास्ता बिल्कुल अवरुद्ध हो चुका है। उस जगह पर हम पहुंच रहे हैं, एक पुलिया है जो पानी बाढ़ का पानी आने के चलते या मरम्मत उसके पूर्व में नहीं होने के चलते वो पूर्ण रूप से जर्जर स्थिति या उसको कहिए कि रास्ता अवरुद्ध कर चुकी है। अब हम आ चुके हैं उसी रास्ते को क्रॉस करते हुए उस मुख्य जो मेन रोड है उस मेन रास्ते से होते हुए हम बाबा ढोरनाथ की मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये बाढ़ का पानी है, जो बाढ़ का पानी नदी को पार करते हुए इस मुख्य रास्ते पर जो ढोर बाबा का मंदिर है, मंदिर रास्ता जिसको बोला जाता है, और एक तरह से कहा जाए तो जनता बाज़ार के लिए बाईपास एक ही है, यही बाईपास है। यही बाईपास आपको निकलता है हाई स्कूल मोड़ पर, फिर उधर सिवान ज़िले के चमरग्रही कहा जाता है वहाँ निकलता है। तो मतलब यहाँ से अगर बाईपास तो मार्केट छोड़ करके मार्केट के बाहर बाहर अगर मार्केट में भीड़ होता है किसी वजह से तो बाईपास से गाड़ी इधर से ही जाती है। लेकिन अभी चार चक्का बिल्कुल अवरुद्ध हो चुका है, चार चक्का के पैदल चलने में भी परेशानी है। बाढ़ के चलते तो लगभग सब जगह यही स्थिति है, लेकिन यह मुझे दिखाने का मेन उद्देश्य यही है कि मुझे सुनने में आया है कि यह रोड पहले पास हो चुका है, लेकिन किसी कारणवश, मैं वो भी रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा कि क्या कारण है जिसके चलते यह रोड नहीं बन पाया। और बारिश का पानी से तो परेशानी है ही, अगर रोड बन गया होता तो इतनी परेशानी मुझे लगता है कि नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं उस जगह पर जहाँ एक पुलिया जर्जर स्थिति में है जिसके चलते रोड लगभग बंद सा है। आगे बढ़िए, बाबा के इस रास्ता जो है ढोर बाबा के बीचों बीच, देखिए ये बाढ़ का पानी जो टावर को अपनी चपेट में लेता हुआ पूर्ण रूप से टावर ये डूब गया है बारिश के पानी में, जस्ट उसी के बगल में यह रास्ता है। आगे बढ़िए, मैं आपको दिखाता हूँ वह जगह जहाँ पर लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। उस रोड पर जो पुलिया है, जिस पुलिया से कौन सा पानी गिरता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उस पुलिया से होकर के रिहायशी इलाके से पानी, बरसात का पानी निकल करके और नदी की तरफ जाता है, लेकिन क्योंकि बाढ़ की स्थिति बनने के कारण पानी लबालब चारों तरफ बढ़ा हुआ है, इसीलिए पानी की यह स्थिति है। लेकिन इस पुलिया को मैं दिखा रहा हूँ, मेरा मुख्य उद्देश्य है कि यह पुलिया जो है बिल्कुल भस चुका है। इस पर चार चक्का गाड़ी को ले जाना, मोटरसाइकिल ले जाना, साइकिल ले जाना बड़ी ही दुभर है। और यह
मैं बताऊं आपको कि यह रास्ता आपको वह मुख्य सड़क से होते हुए बाबा ढोरनाथ की मंदिर की तरफ जाता है और इधर आपको हरपुर की तरफ निकल जाता है, मेन रोड में फिर जा करके जुड़ जाता है। तो यह बाईपास में मुख्य रास्ता कहा जाएगा इसको। और वहाँ स्थिति यह है कि देखिए पुल का जो नाला होता है, जो पाइप होता है, वो बिल्कुल भस चुका है, जर्जर स्थिति इसको नहीं कही जाएगी, भस चुका है। इधर देखिए खेत की तरफ से गाड़ी कभी भी अगर ज़बरदस्ती करके लोग गाड़ी लेके जाते हैं तो गाड़ी कभी भी पलट सकती है। देखिए फंस चुका है, अब वस्तु स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिलहाल में देखिए तुरंत एक गाड़ी आई, ड्राइवर यहाँ पूरा प्रयास कर रहा है कि गाड़ी किसी तरह से निकल जाए, लेकिन यह छोटी सी गाड़ी है। मैं यह दिखाना चाह रहा हूँ कि एक छोटी सी गाड़ी है वो अलग नहीं निकल पा रही है। देखिए ड्राइवर कितना यहाँ मशक्कत कर रहे हैं और मशक्कत करके अगला चक्का तो किसी तरह से इन्होंने निकाल लिया है। अब निकल के पीछे की तरफ देख रहे हैं कि पीछे की तरफ देख करके इसको निकाला जाए। इनको लगता है कि आगे गाड़ी नहीं जा पाएगी और इसको बैक ले रहा है। ये देखिए ये जो एक यहाँ के जागरूक नागरिक जिनको ऐसा लगा कि यह एक सिंबल लगा दिया जाए कि कोई गाड़ी अगर रात में भी आता है या दिन में भी ऐसे किसी की नज़र नहीं पड़ती है तो आ करके इसमें फंस सकता है, उसकी दुर्घटना इसमें हो सकती है। तो यहाँ के आम नागरिक जो जागरूक हैं वह इसको यहाँ लगाए हैं कि कम से कम इसको देख करके और लोग यह समझ जाएं कि यहाँ डाइवर्सन है, यहाँ फंसा हुआ पुल है और इसको लोग समझ करके और बगल से निकल जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपको मंदिर के तरफ का भी वो रास्ता दिखाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मंदिर की तरफ हैं। यहाँ रोड पानी बरसात का पानी होने के चलते रोड टूटने के कगार पर है। अगर यह ढलाई हो गया होता तो मुझे लगता है कि यह स्थिति नहीं आती। हम आगे बढ़ते हैं, वह भी चीज़ दिखाएंगे आपको जहाँ ढोर बाबा के मंदिर से लेकर और कुछ दूरी तक ढलाई हो चुका है और इसी बीच रास्ते में जो बाकी है वही ढलाई होना बाकी है। ये आगे का रास्ता है, यहाँ हम आपको दिखाएं कि ये जनता बाज़ार है। जनता बाज़ार में बरसात का पानी होते हुए यहाँ से आता है। मुझे लगता है कि यहाँ भी एक पुलिया की ज़रूरत है, शायद वो उसमें पास हुआ होगा। अब हम जनप्रतिनिधि से मिलेंगे तो उसका रिपोर्ट हम आपको बताएँगे और आपको देंगे कि जनप्रतिनिधि इसके बारे में क्या कहते हैं। अगर सौभाग्य से वो हमें मिले तो हम उनकी जुबानी ही आपको बात सुनवाएंगे। लेकिन यहाँ एक पुलिया की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ का बरसात का पानी टोटल इसका घुमाव जो होता है नदी की तरफ इसी रास्ते से होता है। यहाँ पुलिया की ज़रूरत है। मैं आगे बढ़ते हुए आपको यह बता रहा हूँ कि इसके पूर्व में जो रोड बना है, जो ढलाई हुआ है मंदिर के तरफ से ले करके और मंदिर के आगे मंदिर की पूरब साइड में कुछ जगह तक वहाँ से ही ये ढलाई होना बाकी है। यहाँ तक पूर्व में काम हुआ है, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, बारिश से कोई खास परेशानी यहाँ नहीं है। ये आपको बाबा ढोरनाथ मंदिर के पूरब से लगभग 100-200 मीटर की जो भी दूरी है वो तो प्रतिनिधि ही बताएंगे, नापने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ तक मैं आपको दिखा रहा हूँ बना है और यहाँ से लेकर आपको मुख्य रास्ते तक ढलाई का स्कीम है। वो क्या स्कीम है मैं आगे चलता हूँ तो आपको बताता हूँ। चलिए ये रास्ता देखिए, ये रास्ता अब हम आते आते उस मुख्य रास्ते से आते आते मैं ढोर बाबा मंदिर के पास पहुँच चुका हूँ। इस रास्ते को लेकर के मैं चाहूँगा कैमरामैन को कि ढोरनाथ बाबा का मंदिर का ऊपरी भाग दिखाएं, यहाँ से दिखाई दे रहा है। और ये है रास्ता, इस रास्ते को थोड़ा सा दिखाया जाए, यह रास्ता सीधे जा करके मंदिर के द्वार पर मिलता है और यही वो मुख्य रास्ते से कटा हुआ आपको बाईपास रास्ता है जिस पर एक पुल का निर्माण होना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ इस रास्ते से चार चक्का गाड़ी जाना बिल्कुल अवरुद्ध हो चुका है। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो बाबा के पास जल अर्पण करने के लिए लोग जो आते हैं उसकी काफ़ी भीड़ होती, फिर समस्या और कुछ दूसरा ही होता क्योंकि बाढ़ का पानी इधर नदी का इस रास्ते तक आ चुका है। चलिए मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ और दिखाता हूँ ढोरनाथ बाबा का मंदिर। अब मैं उस जगह पर आ गया हूँ कि उस मेन रास्ते से जो कटता है बाईपास, उस बाईपास से होते हुए मैं आ गया हूँ मंदिर के पास। ये रास्ता देखिए, इस रास्ते से मिलते हुए सीधे यह ढोरनाथ बाबा मंदिर के पास यह रास्ता जाता है। ढोरनाथ बाबा मंदिर के पास से एक रास्ता गुजरता है आपको उत्तर की तरफ। यह रास्ता कहाँ जाता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि यह रास्ता 3-4 जगह जाता है लेकिन मुख्य तरह से बाईपास का इस्तेमाल कहाँ होता है वह चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए आगे बढ़िए।
अब मैं चाहूँगा कि कैमरामैन सोनू कुमार जी थोड़ा सा इस रास्ते को टर्न लें और यह रास्ता जो बाईपास से होते हुए सीधे आपको ये चमरगढ़ तक निकलता है, ये इसमें जाने के बाद आपको दो तीन रास्ते कटते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, ये रास्ते जाते वक्त मंदिर से होकर के दो तीन रास्ते इसमें कटते हैं, लेकिन बाईपास के लिए मुख्य रास्ता ही आपको चमरगढ़ी के पास तक निकलता है और यह रास्ता सीधे हरपुर होते हुए आपको चमरगढ़ी तक निकलता है और मेन रोड में जाके जुड़ जाता है। फिर ये रास्ता आपको सीधे पंडितपुर नया पुल होकर के निकल जाता है। ये वस्तु स्थिति है, यह वस्तु स्थिति मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको पता चले कि वह रास्ता है कहाँ, वह जो डाइवर्सन हुआ है, वह जो पुल टूटा है वह कहाँ है। इसके लिए मुझे इतना आपको जगह दिखाना पड़ा कि भोरनाथ मंदिर के जस्ट भोरनाथ मंदिर का वह बाईपास रास्ता है जिस पर भोरनाथ मंदिर पूरब से आने वाले लोग भोरनाथ मंदिर पर उसी रास्ते से पहुंचते हैं, क्योंकि बाज़ार का भीड़ होने के चलते भीड़ में लोग नहीं जाते और यह जो बाईपास रास्ता है इसी बाईपास रास्ते से भोरनाथ मंदिर पर वो आते हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं और पूछते हैं यहाँ के वार्ड, हम वार्ड से मिलेंगे, एक महिला हैं, वार्ड से मिलेंगे कि इस पर, इस रोड पर या इस पुल को नहीं बनने का कारण क्या है या कब तक बनेगा, उनकी उनके पास क्या जानकारी है या उनके पास क्या योजना है, इसकी जानकारी हम लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको दिखाया कि ये रोड कहाँ तक बना है, कहाँ तक बनना बाकी है, कहाँ टूटा है, क्यों ज़रूरी है, इस पर मैंने आपसे बातें की। अब आइए हम जानते हैं कि यह रोड क्यों नहीं बन रहा है। रोड मुझे सुनने में आया कि पास हो चुका है लेकिन बन क्यों नहीं रहा है, पुल क्यों नहीं बन रहा है। हम इस जगह के, इस जिस क्षेत्र में ही पड़ता है वहाँ के वार्ड कमिश्नर से हम आपको मिलवा रहे हैं। वार्ड कमिश्नर है सुनीता देवी, जिनके पति हैं तक्षक जी। तक्षक जी से हम कुछ बातें करते हैं इस रोड पर, आइए। नमस्कार तक्षक जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, चूँकि आप किस वार्ड में पड़ता है? 10 नंबर वार्ड में पड़ता है जी। तो चूँकि यह बहुत पहले आधा रोड ढलाई हो चुका है, आधा बाकी है, मुझे मेन मतलब जो है उस पुल से है। पुल से लोगों को आने जाने में ढोड़ बाबा के पास काफ़ी परेशानी हो रही है, मैं जाकर वहाँ खुद देखा हूँ, वीडियो भी लिया, बहुत कठिनाई है। तो रोड मुझे सुनने में आया है कि 2019 में ही पास है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्य दिखाई नहीं दे रहा है, क्या कारण है आप हमको बताएं? ये रोड किस कारण से बाकी है हम आपको बता रहे हैं। ये रोड 2019 में वार्ड सभा से, इसको ग्राम सभा से वार्ड सभा से इसको पारित हो चुका है, पारित हो चुका है रोड वार्ड सभा से, ग्राम सभा से वार्ड सभा पारित हो चुका है 2019 में। 16,1272 फुट बाकी है इस रोड में, 1272 फुट मतलब बनना बाकी है, बनना बाकी है। तो 1272 फुट का जय साहेब 16,28,000 का एस्टिमेट बना है, 16,28,000 का एस्टिमेट बना है। उसके बाद हम मुखिया जी के पास गए कि मुखिया जी रुपया हमें खाता ट्रांसफर कर दीजिए, इसको रोड में काम लगा जाए। तो मतलब वार्ड के ही जी में था? हाँ जी, वार्ड सभा से पारित हो चुका है। नीतीश कुमार के साथ नीचे से ये रोड पास हो चुका है, साथ नीचे से काम होना है। मतलब नीतीश कुमार का साथ निश्चय का जो योजना है उसी योजना के तहत इस पास हो चुका है। फिर वार्ड साहब क्या बता रहे हैं? इसमें मुखिया जी से बोले कि मुखिया जी ट्रांसफर कर दीजिए खाता रुपया, हम रोड में काम लगा दें। मुखिया जी बोले कि पैसा कम है, 22 लाख रुपये उस समय था, तो 22 लाख था, तो मुखिया जी कहें जल्दी जल्दी अपना कागज तैयार कर लो, हम रुपया ट्रांसफर करते हैं। कागज सब तैयार कर लिए, रिकॉर्ड तैयार हो गया, उसमें मुखिया साइन कर दिए, पंचायत सचिव साइन कर दिए और जे भी साइन कर दिया हमारे रिकॉर्ड पर कि बनना शुरू हो जाएगा, स्वीकृति हो गया इस काम का। लेकिन इसमें काम नहीं लगा। काम क्यों नहीं लगा ये महत्वपूर्ण, रुपया ट्रांसफर करने के नहीं कारण से नहीं काम लगा। वो ट्रांसफर करते काम लग जाता। उसके बाद 1 साल हम दौड़ते रहे मुखिया जी के पास, दौड़ते रहे, नहीं सुने, काम नहीं हुआ। रुपया इधर में फिर 16,00,000 रुपया आया है इसी रोड के लिए, इसी रोड, वो रोड, वो पैसा चला गया, खत्म हो गया वो पैसा, फिर 16 लाख आया, दूसरे मद में खर्चा हो गया। अच्छा, दूसरे मद में खर्चा हो गया, फिर इस रोड के लिए 16 लाख आया, फिर 16,00,000 रुपया आया है। बिल्कुल आया है। मुखिया जी से बोले, पंचायत सचिव बोले ब्लॉक में, तो बोले कि ठीक है आया तो पैसा जाएगा। बीडीओ साहब बोले कि अपना रिकॉर्ड लिया के दिखाइए,
एस्टिमेट लिया के दिखाइए कि ना क्यों नहीं मुखिया रुपया डाल रहा है। ये रोड का काम बहुत जर्जर स्थिति है, इसमें पुलिया फंस चुका है, मंदिर पर जाने आने में बहुत कठिनाई हो रही है, गाड़ी घोड़ा सब वाहन बंद है। तो बी डी ओ साहब बोले कि ठीक है दिखाइएगा। बी डी ओ साहब के पास गए तो बी डी ओ साहब क्वारंटाइन में है, क्वारंटाइन में है, हाँ सर्दी खांसी बुखार है। वो बोले कि नहीं आप मोबाइल भी स्विच कर रखे हैं। बी डी ओ साहब बोले कि ठीक है हम बात करेंगे आपसे बाद में, मोबाइल उसका नहीं लग रहा है। उसके बाद हम बोले कि रुपया ट्रांसफर हो जाएगा पंजाब सचिव, रोड का काम हो जाता। फिर मुखिया जी बोलेगा अगर तब से ये रुपया कम है इसको तीन पार्ट में कर दीजिए, 450 फुट का 1272 फुट बाकी है ना जी, 4 पार्ट 3 पार्ट में कर दीजिए। वही काम करके हाल हार गए। फिर उसमें 5,26,000 का एस्टिमेट बना। ये हमारे पास 5,26,000 का एस्टिमेट है, 16,00,000 का एस्टिमेट नहीं है अभी तक घर पर, वो भी काम हमारा नहीं हुआ। ये खाली मुखिया का कमजोरी से काम बात है। चलिए आपने सुना सविता देवी वार्ड के पति सुनीता देवी वार्ड पति तक्षक प्रसाद की जुबानी यह बात कि इस रोड को बनाने के लिए पहले भी एस्टीमेट आ चुका है, वापस हो चुका, दूसरा भी एस्टीमेट आ चुका है, लेकिन इस पर आला अधिकारियों का बिल्कुल ध्यान नहीं होने के चलते यह अभी तक अधर में लटका हुआ है। यह सुनीता देवी पति तक्षक जी अपना कागज भी दिखा रहे हैं। जेई साहब का दूसरा का एस्टीमेट है 16,00,000 के बाद 5,26,000 का, जेई साहब का मोहर लगा होते हुआ है, साइन भी हो चुका है इसमें, हाँ जूनियर इंजीनियर का लगा हुआ है, इधर साइन भी हो चुका है। इसका हमारा छायापति है, इसका वजन हमारे पास सब कुछ है। एस्टीमेट पर हम काम नहीं कराएंगे, हमको चाहिए 16,28,000 का वो है हमारे पास। ये वस्तु स्थिति है इस रोड का। मैं यह वीडियो बना के इसलिए डाल रहा हूँ कि इस पर आला अधिकारी इसको देखें, समझे, जाने और इसका काम अति शीघ्र लगवाया जाए, क्योंकि लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।